छत्तीसगढ़ अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के वनांचल इलाकों सहित ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग अपनी जिम्मेदारियों को बोझ न समझकर हंसते गाते निपटाने की परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा ये भी है कि खेतों में काम करते वक्त ग्रामीण कर्मा ददरिया सहित सुआ गीत गुनगुनाते हैं। इसके पीछे मनोरंजन होता ही है, साथ ही आसानी से दिन कट जाता है और काम का काम हो जाता है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में रथन 4 महीना तक अपन फसल ला दवाई दारू छीत के अपन फसल ला बचाए रथन, और जब फसल कटाई होते तो हमला बड़ा खुशी होते कि अन्न माता हमार घर में जाते, एकर सेती हमन कर्मा ददरिया गा के अपन खुशी ला जाहिर करथन। झूमर ए पर से बनाते कि घर की सजावट के लिए बनाए जाते, और ये में घर के जो है एक ठो अलग टाइप के आनंद लगते। पहले से परंपरा है कि हम किसानी करते ऐसे आते हैं, और लोहे टोड़ाई में ददरिया एक से गाना वाना गाते, धान बोता नींद थन तब ददरिया गाते हैं। यह पूर्वज से आते हमन 4 महीने धान बो रथन, तेकर सेती खुशी से ददरिया गाथन, सुआ गाथन, कर्मा गाथन। वही राजनाथ गांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे यहां पर जेके कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने सिविल सेवा आचरण को ताक पर रखकर कार्यकर्ताओं ने जिला आबकारी विभाग पर शराब तस्करों से जब्त रात सात वाहनों का दुरुपयोग करने वाले पर कार्रवाई और विभाग के कबूलने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। गर्जे के बहने तले आज जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया है आबकारी विभाग के खिलाफ में। मामला यह है कि आबकारी विभाग का जो सिपाही ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा रात सात गाड़ी का लगातार निजी उपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने आबकारी विभाग के नवीन तोमर साहब को 20 तारीख को किए थे और 25 तारीख को प्रदर्शन भी किए थे। उसके बाद में मेरे को वहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन लोग बात को एक्सेप्ट भी किए हैं कि हाँ इस गाड़ी का हमने उपयोग किया है, लेकिन उसके बाद भी ओम प्रकाश सिन्हा के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है और जो भी दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं इन लोग घबरा रहे हैं ओम प्रकाश सिन्हा से कार्रवाई करने पे, क्योंकि इन लोग भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। ये जो भी शिकायतें आ रही हैं, मैंने जैसा कहा कि जो भी शिकायतें आ रही हैं और शिकायतों की जाँच की जाएगी और उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो शीघ्र की जाएगी। अब तक आपने मुख्यमंत्री जनदर्शन, मंत्री जनदर्शन और कलेक्टर जनदर्शन के बारे में ही सुना और देखा होगा, लेकिन कोरबा जिले में पहली बार पुलिस अधीक्षक ने पुलिस जनदर्शन लगाया। लोगों की पुलिस से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने की मंशा से एसपी भोजराम पटेल के इस प्रयास की जमकर सराहना की जा रही है। पुलिस जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे जिन्होंने एसपी को अपनी समस्याएं सुनाई। इस दौरान मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा और दर्री नगर पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। चलिए आप खबर भिलाई से, जहां पर भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट मार्ग सहित सेंट्रल एवेन्यू पर अब ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। भिलाई में सेक्टर 1 के इक्विपमेंट चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। फ्लाईओवर के बन जाने से सेक्टर 1 फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो जाने से टाउनशिप में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। खासकर भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों और सेंट्रल एवेन्यू से आवाजाही करने वालों को राहत मिलेगी। इससे काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन कम हो जाएगा, ट्रैफिक की यातायात में जो सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी, लोगों को कम दिक्कत होगी और ट्रैफिक का स्पीड बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। स्टील प्लांट ने ये कीर्तिमान रचे, और सबसे जो उत्साह वाली बात है कि ये जो कीर्तिमान ज़्यादातर रचे गए जो हमारे नए मॉडिक्स यूनिट थे उन्हीं में ज़्यादा रचे गए कि वो करीब करीब अपने रेटेड कैपेसिटी में पहुँच गए या उनको पार कर गए।
और ये जो कीर्तिमान भिलाई स्टील प्लांट में रचे, ये जो रैंपिंग अप हुआ जिसको कहते हैं, जिसमें उत्पादन बढ़ाने की जो इसमें जो गति। वहीं कांकेर जिले की महिला प्रशिक्षण संस्थान 1986 से लगातार जिले के युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जहां 7 ट्रेड संचालित हो रहे हैं और जिनमें कोपा, स्टोनो, ड्रेस मेकिंग और सेविंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिशियन, स्मार्टफोन, हॉस्पिटल, हाउसकीपिंग सिखाए जा रहे हैं, जिसमें हर साल 212 से ज़्यादा छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, जिसमें इस साल यानी कि 2021-22 में 80% सीट भर्ती हो चुकी है। यहाँ की छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद की स्वरोजगार के अलावा कई भर्तियों में हिस्सा लेकर कई पदों के माध्यम से अपना जीवन संवार रही हैं। मैं तो स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था सर, बट जब मैं यहाँ पे आई, मेरा एडमिशन हुआ, इसके बाद मेरे को ये जानकारी हुआ, पढ़ाई जब स्टार्ट हुआ तो इसमें ये पता चला कि इसमें होता क्या चीज़ है सर। मतलब जो अदर पर्सन है उन लोग का ये सोच होता है कि हाउसकीपिंग सिर्फ झाड़ू पोछा करने का, ये निगेटिव थाट आ जाता है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। मतलब कोई कुछ भी करे, जॉब तो जॉब होता है। और यहाँ हमें कंप्यूटर सेंटर सिखाया जाता है, जो हम बाहर से हमें पैसा देकर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें मुफ्त में सिखाया जा रहा है। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, जो हमें सहयोग देते हैं हर चीज़ के लिए, वो अपना वो निभाते हैं। और यहाँ हम आराम से 20 बच्चे बैठ के सीखते हैं कंप्यूटर डेली, और हमें यहाँ पे एक एक लोग के लिए लगभग एक एक स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर है, सभी के लिए। और हम बाहर आईटीआई को आपने क्यों चुना और कोपा को ही क्यों चुना, इसके अलावा और भी अन्य ट्रेड हैं? और यहाँ मैं कोपा इसलिए चुनी क्योंकि सरकार अच्छे से सुविधा दे रहे हैं, हम यहाँ अच्छे से सीख रहे हैं। हम निकल गए तो बाहर हम लोग अपने से खुद का दुकान या कुछ खोल के अब अच्छे से और बाहर के लोग से और सिखा सकते हैं। और यहाँ पे ये सरकार की योजना अच्छी, बहुत अच्छी योजना है, जिसमें हम निशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी बनाना सीखा, बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाया, और सूट, कुर्ती और पटियाला भी सीखा हमने। और इसमें हम खुद का स्वरोजगार भी ले सकते हैं। चलिए फिलहाल अपना छत्तीसगढ़ में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।